करते जो आप इस किरिया के अंदर जाने ना फिर पता लगता कि सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह सब कुछ करते। आज जो चीजा कई बार महाराज भी आदिया आप कथा सुनाने बहुत सारे लोग कहते ने यह उदा ही बोली जाता यह उ कही जाता नहीं मैं उदा ही नहीं कहता हाँ कुछ सब कुछ है हरिमंदर साहब के जिन्ना कुछ है वह थोनू कदे दिखा तुम सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब दर्शन करके मुड़े आने या संगत बैठी पर हरिमंदर साहब अंदर जिन्ना प्रकाश है जो चारे पास जिन्ना प्रकाश है वह कदे किसी सिर्फ अभ्यासी तो बिना दूजे बंदे नजर ही नहीं आता। जिनी कृपा हुण इस वक्त इत्थे वरदी आ वो आपां नूं कहिहड़ा दिखदी है पर वाहिगुरु की कृपा हो रही है अपने ते वो कृपा सतगुरु सच्चे पातशाह आप करदे ने अपने ते। महाराज कहिंदे सारियां विच इक परमात्मा वरतदा ते फिर तू क्यों डरदा ओ सब किस जाणै जो वरतंता मनमुख मूए जिन दूजी प्यासा। कहिंदे क्योंकि जो कुछ वरत रहा वो आप ही जाणदा जिन्हां मनमुखां नूं दूजी माया की त्रेह लगी तृष्णा लगी आ निष्फल ही मरी जा रहे वह सब कुछ जाणै जो कुछ वरतदा क्योंकि वह सब कुछ जाणै जो वरतंता ते दो नंबर पौड़ी समाप्त हो गई सी इस करके अगे प्यासा अखर आया तीसरी पौड़ी का बहु जो नी पवै तुर किरत लिखे आसा जैसा बीज है तैसा खासा। किरत हुंदी कीते हुए कर्मां दा फल भोगना तुर तो ही लिखिया होया इस करके वह मनमुख बहुतियां जूनां च पाउंदे ही रहिंदे ने कि जूनां च पाउणा चंगा लगदा आपां नूं कोशिश करिए दोबारा महाराज अब की बार बख्श बंदे को बहुर ना पवजल फेरा। देख तो ली सारी जिंदगी हुण कही जी हुंदी आ पहला बचपन च हुंदा शौक फिर जवानी च होर शौक फिर 50-60 साल दे सारे शौक जे मुक्कण जे लग जांदे आके। बहुत सारे बंदे मैनू ऐसा कहंदे आके कि पहला तो असी पता नहीं सी की कर देना हुण 50-55 साल की उम्र होगी जब पिछे जिन देखदे मुड़ के किता किराया तो कुछ नहीं है खटिया खटाया कुछ भी नहीं बनिया कुछ भी नहीं है बनना की है अब 20-30 साल होर होणगे फिर किहड़ा बन जाना कुछ क्योंकि जिहड़ी चीज बननी है वह तो नाम ने बनाउणी सी बाणी ने बनाउणी सी गुरु साहब ने कृपा करनी सी। सतगुरु कहिंदे नियम है जिहा जिहा बीजेगा उहा जिहा फल खासा तो भाव खावेगा। देख दर्श मन भया विगासा सब नदरी आया ब्रह्म परगासा। गुरां दा दर्शन देखदे मन दे विच विगास हो गया आनंद हो गया। हुण गुरु ग्रंथ साहिब आप कहिंदे ने पंजवें पातशाह आप कहिंदे ने कि गुरां दी कृपा नाल सारयां विच ब्रह्म दा ही प्रकाश निगाह आउण लग जांदा सारयां विच परमात्मा दी जोत लाइट उहदी जिहड़ी नजर आउण लग जांदी है। सब मैं जोत जोत है सोए तिसदा चानण सब मैं चानण होए गुर साखी जोत प्रगट होए जोत इस भावै सो आरती होए। इस करके सतगुरु महाराज जी कहिंदे ने इह सारयां दे अंदर जिहड़ा प्रकाश देखना फिर इहदे लई अभ्यास करना पैंदा। माया दा प्रकाश तां आपां बहुत देखिया सारयां ने इन्नी मेहनत करदे सारे जाणे माया दा प्रकाश बड़ा देखिया चारे पासे माया ही माया माया ही माया। ठीक है जिंदगी आपां शुरू विच पहलां इक शौक जिहा हुंदा कि माया इकट्ठी करनी है जिस निशाने नूं लै के तुरे सी आपां कि उह बहुत सारा कुछ बनाउणा जिंदगी च बहुत कुछ बनाया बहुत कुछ बनाया पर जदों इंसान 60-70 सालां तक भी पहुंच जांदा फिर सोचदा बनाया भी सब कुछ है पर कोई गल जी नहीं बनी है स्वाद जिहा नहीं आया इह बनाउणा की सीगा। 70-80 सालां तक भी मैं ना 1000 साल की उम्र भी हो जाए ना फिर भी तुसीं कहोगे बनाया तो बड़ा कुछ है पर कोई वह गल जी नहीं वह गल कित्थे बननी है माया च वह गल तो सिमरन विच बननी सी जिहड़ी चीज नूं आपां लभदे फिरदे आ सिमरन विच है जिहड़ी चीज नूं आपां लभदे फिरदे आ बाणी च है जिहड़ी चीज नूं आपां लभदे फिरदे आ गुरु ग्रंथ साहिब दे विच है वह अमृत छकियां प्राप्त हुंदी है सतगुरु की कृपा नाल। पर चलो जे नहीं हले छकना जिन्हां ने हले शुरुआत करनी है मैं किसी नूं अमृत छकण ते बड़ा जोर नहीं दिंदा वो इस करके उन्हों थां ही यही जी लाईदा भी अमृत वो खुद मंगूगा आके मैनू अमृत छकाओ भाई क्यों जदों नाम जपण लग गए ना जे किते उहदी किरपा हो गई अंदरों आवाज आउणी अमृत छक ला हुण अमृत बंदे नूं मैं क्यों कहां अमृत छक ला बंदा कहे आके मैनू अमृत छकाओ असीं मजबूर क्यों करिए किसी नूं अमृत छकण लई। जदों बंदे नूं अवस्था बन के दिव दृष्टि खुलदी आ बहुत बंदे ऐसे दुनिया च बैठे ने वो कहें भी हाँ हम चारे पास नीले चोलियां जाले दिखी जाते हैं
मैं क्या हुण ये चोले आले ते दिखणगे जिहदा अभ्यास कीता महाराज दा मूल मंत्र गुरमंत्र दा, कहिंदे हुण की करिए। मैं क्या हुण चोला तू पा ला, होर करना हुण, तू भी बन जा सिंह हुण। फिर सारे जने आपी छक लैंदे ने। जदों तक आपां नूं खालसे नूं अपनी ताकत दा ही अनुमान नहीं हैगा, आपां नूं पता ही नहीं भी आपां नूं कितनी वड्डी ताकत गुरु साहब ने बख्शिश कीती है। महाराज जी कहने जब लग खालसा रह न्यारा तब लग तेज दियो। मैं सारा 1 अप्रैल अज ते विसाखी हुण नेड़े ही है, अपनी अपनी विचार तुसी करनी आ असी की करना। विसाखी का दिन खालसे की बहुत ज्यादा वड्डा, सतगुरु महाराज ने अपने बख्शिश की। जो बौली साहब महाराज ने रची है ना, तीजे पातशाह ने बौली का जिदन कड़ टुटिया सी, पानी निकलिया सी, उदन विसाखी हुई सी, 1 विसाख ही सी उदन। जिदन फिर हरिमंदर साहब प्रगट होया, उथे बीबी रजनी का पति राजी होया, वह भी विसाखी का ही दिन सी, 1 विसाख। जिदन खंडे बाटे का अमृत छकाया, वह भी फिर 1 विसाख ही सी। ये 3 दिन विशेष ने अपने वास्ते कि तीन ही अमृत विसाखी नूं ही प्रगट कीते महाराज ने। जन नानक की हर पूर्ण आसा, महाराज कथन करदे ने मैं सेवक जांदी हरी वाहिगुरू ने हर एक आसा पूरी कर दिती है। तुसीं दसो तुहानूं की चाहीदा, जिन्हों जो चाहीदा। मैं एको ही गल फिर दुबारा कह दिंदा, जां 25 पाठ जपजी साहिब दे रोज करके देख लो, जां मूल मंत्र दा खुला ही अभ्यास चलन दिओ। फिर साल 2 साल तुसीं 2 सालां बाद फिर मैनूं आके कहो भी फिर मैं पुछूं हुण की चाहीदा। कुछ नहीं चाहिए, क्यों रहा ही कुछ नहीं, सारा कुछ ही दे दिता उन्हें। तुसी अभ्यास नहीं करते तुहानू मिलदा नहीं, अभ्यास करो। सतगुरु महाराज एक तो तृष्णा ही मेट दिंदे अंदरों, वो तृष्णा मिट गई तो रौला ही मुक गया सारा। ते वैसे भी सतगुरु बहुत कृपा करते ने अपने सेवक की, आपे रख है आपे नाम जपाव है। जय जय काज किरत सेवक की, तहां तहां उठतावै, सेवक को निकटी होए दिखावै, जो जो कहे ठाकुर पै सेवक तत्काल हो आवे। कई कहने मेरा जी कम लटक दिया 10 साल हो गए अरदास कर दो, कोई कहना मेरे कम लटकिया 20 साल हो गए। सतगुरु कहने तत्काल हो आवे, किन्ना फर्क। इधर उधर जो भटकते सारे जाने, गलत पासे भटकन की लोड़ नहीं, किते जाण की लोड़ नहीं, अभ्यास कर लो। अभ्यास दे नाल देखो जिन्ना मैं कहना तुहाडे दास ने बेनती करनी, मैं अखर गलती ना निकल जाता, इहदी गुरु ग्रंथ साहिब माफी देण, तुसीं भी दे दो। बेनती यह है सारी संगत नूं भी सवेरे अमृत वेले उठ के 5 सुखमनी साहब के पाठ करने पैने, जां मैं जां विच लाउना, नहीं तो यह नहीं हुंदा भी सारे इकट्ठे कराऊंगा तुहानूं। जां 25 पाठ जपजी साहब दे, जां 32 माला मूल मंत्र दियां, इन्ना इन्ना तो तुहानूं करना ही पैना। पुराने सिंघां दा पर इस तरह सीगा, 2.5-3-4 घंटे का अभ्यास सी सवेर का, जां 4 घंटे वाहिगुरु मंत्री करी जाओ अमृत वेले उठ के। जे थानू साल 2 साल विच ना कुछ मिलिया, फिर मैनू तुसी जो मर्जी कह लियो, बस तुसी करदे नहीं हो, करदा कोई भी नहीं। एवें 2 मिनट वाहिगुरू वाहिगुरू कह के फिर चले जाना, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज मत्था टेक के तुर गए। साडे विच सिर्फ साडे पंथ विच 2-3% बंदे जिन्हां ने गुरु ग्रंथ साहिब का सारा पाठ किया होना, 97% तो अपने च उदा ही ने। जपजी साहब किन्नियां नूं कंठ है, 5 बाणी किन्नियां नूं कंठ है। गुरु ग्रंथ साहिब दी आ कथा लड़ीवार ताईं शुरू की, हुण पुछदे अच्छा जे गुरु ग्रंथ साहिब लिखिया होया है, अच्छा अच्छा महाराज च ही लिखिया होया। जब तुसीं पढ़े ही नहीं फिर लिखिया होया पता किदां लगेगा तुहानूं। गौड़ी ग्वारेरी महला 5वां, गौड़ी राग दे विच ग्वारे दी जाति 5वें पातशाह गुरु अर्जन देव शहीदां दे सिरताज निम्रता दी अवधी बख्शिश करदे ने। कहिंदे उह सिंघो आपां भई कई जन्मां च कई कुछ बणे आ, साध संगत जी सुणो की बणे आ। कई जन्म पए कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन तुरंगा। मैं तां नहीं कहिंदा, इह गुरु साहिब कहिंदे यकीन करो परमेश्वर तों भुल्लण करके कई जन्म कीड़ियां दे मिले आपां नूं, कई जन्म आपां कीड़े ही बने रहे, कीड़े ही बने रहे, अते पतंगियां दे कई जन्म मिले ने, बार बार पतंगा बन के दीवे ते सड़े आपां। कई जन्म गज हुंदा हाथियां दे होए ने साडे, कई जन्म मीन मच्छियां दे होए ने, कई जन्म कुरंगा हरना दे होए ने। एक एक जन्म नहीं, चलो चंगा हुंदा कि 84 दा गेड़ा एक बार ही चलदा ना, एक जन्म आ एक जन्म आ एक जन्म आ बनिया। 7 अरब साल लगदा पूरी 84 भुगतण लई, मोटा मोटा अंदाजा लाया सियाणियां ने।
पर सतगुरु कहने कई जन्म का तू कीड़ा बनिया, कई जन्म पतंगा बनिया, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म है वर ब्रिख जोयो, कई जन्म पंछियों दे होए भाई तेरे, कई जन्म सप दे होए ने, कई जन्म है वर श्रेष्ठ घोड़िया दे होए ने, कई जन्मां विच ब्रिख हुंदा बलद होके रथां अगे जां गड्डियां अगे जोयो जोड़े गए हो तुसीं। मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाल एह देह संजरिया रहाओ। कहने भाई हुण तां जगत दे मालक परमेश्वर नाल मिलना है, क्योंकि वह परमेश्वर नाल मिलन दी इहो मनुखा देही है, इहो वारी है। जगदीश मिल जगदीश मिलन की बरिया, मिलन दी इहो मनुखा दे वारी आ, हुण फिर नहीं आउणी, क्योंकि एक बार मौका चुक गया हुण मुड़ के ये जन्म सतगुरु फिर दिंदे ही नहीं हन। आपां तां बार बार यही कहने ने भी अपना कोई बंदा इस रस्ते ना ही जावे तां चंगा। अपनी तां यही बेनती है ना भी सारे जाने तर जाण, सतगुरु कृपा कर देण, पर मस्तक ते जिहड़ा लिखिया होया उहनूं मैं नहीं मेट सकदा, उह तां सतगुरु ही कृपा कर सकदे आ। चिरंकाल हुंदा बहुत चिर पिछों तैनूं मनुखा दे संजरिया प्राप्त होई आ रहाओ। किसी ब्रह्म ज्ञानी कोल असीं बेनती कीती भी इहे जी किन्नी क देर बाद मनुखा जन्म दिंदे ने, कहिंदे कई बार तो हजार क जन्म, कई बार दो क हजार जन्म जो लंघ जाता ना, उहदा पिछले जन्मां दा कोई छोटा जिहा पुन देख के, वह पुन दे करके फिर एक जन्म मनुखा दे के देख दे, कहिंदे हुण दे के देख लैंदे शायद समझ जे, शायद समझ जे। हर वारी आपां नूं चांस मिलदा मनुखा जन्म दा, पर आपां की आ उह चांस लैके आपां ऐशां च पै जांदे आ, ऐशो ईशर च पै जांदे आ। आ जिहड़ियां ऐशां आपां इत्थे करदे आ ना, इह तां कख भी नहीं हैगियां, कख भी। जिहड़ी ऐश फिर जाके सचखंड दा आनंद आ ना, जिहड़ा ऐश होर चीज हुंदी, ऐश हुंदी विषय विकार खाने पीने, पर जिहड़ा आनंद अगे जाके परलोक विच दिंदा महाराज सच्चे पातशाह, उह वखरा ही है, वह अलग किस्म दा। उह तां इत्थे जिउंदे जी मिलना शुरू हो जांदा, पर हुण गल तां उहदे नाल करिए जिहनूं कोई कृपा होई वी है, जिहदे ते बख्शिश, उहनूं तां दस्सां मैं वी हां ठीक है गल, उत्थे तां गल साडी टैली हो सकदी है, पर जिन्हों कुछ मिले ही नहीं हल तक, कोई सोझी ही नहीं पई, चलिया ही नहीं, मैं उन्हें इतने कथा च प्रमाण दे के की करा, वह कहूगा यह गल्ला मारी जांदा ने, फिर वह मेरिया गल्ला ही बन जांदियां ने। इस करके बार बार यही बेनती करते हैं, अगे सतगुरु दसदे ने, कई जन्म सैल गिर करिया, कई जन्म गर्भ हिर खरिया, कई जन्म तां तू कहिंदे गिर पर्बतां दी सैल ही करदा रहा, भारी पर्बत तैनूं बनाया, क्योंकि आ जिहड़े पहाड़ दिखदे आ ना पत्थर, यह भी जून है, एक बदल भी जून है, यह सारियां जूना ही ने, जे पत्थर की जूनी च पै जाए फिर तरदा नहीं छेती, पहाड़ बन जाए फिर तरदा नहीं, ये मैं प्रमाण दिना प्रत्यक्ष। बाबा जीवन सिंह कार सेवा वाले महापुरखों बारे मैं पहला भी दसिया सी, सीढ़ियां विच दसिया होया, पहलियां च जदों बाबा जी ने सड़क बनाउणी सी हजूर साहब तो लैके शिकार घाट तक, शिकार घाट वाला पुल, फिर शिकार घाट ते जिन्ना पत्थर पिया होया, बाबा जी पत्थर लैण वास्ते जीप दे विच बह के पहाड़ां दे विच चले गए, कई पहाड़ियां देखियां भी इत्थों तोड़ लिए, इत्थों तोड़ लिए, इत्थों तोड़ लिए, तोड़दिया एक पहाड़ी लागे उतर के खड़ गए, सेवादार भी सुनदे, बाबा जी भी सुनदे, की आवाज आउंदी, बाबा जी साडा भला कदों करोंगे, पहाड़ ने आवाज दित्ती, बाबा जी ने उत्थे सोटी मारती, इहदा पत्थर लैणा बई, इहने बेनती कर ली आ, इहनूं छड़ाओ जूनी तों। उस वक्त तो सारा जिन्ना पत्थर तोड़ के पाया होया ना हजूर साहब तो शिकार घाट तक, ते शिकार घाट के उपर भी सारा पत्थर एको ही पहाड़ी का सारा, हुण तां बाबा जी चले गए संसार च, पर उन्होंने साखियां रह गईं। इस करके सतगुरु महाराज कहिंदे कई जन्म तेनू सैल खुशक पत्थर दे मिले ने, कई जन्म तेनू गिर करिया झरनिया वाले अर्थात पानी निकलण वाला पत्थर कीता, फिर कई जन्म तेनू माता दे उदर तों हिरिया भाव खरिया हुंदा, फिर खरिया हुंदा छणदा रहा। जिहड़े कहिंदे ने बालक पहले ही जन्म तो पहले ही चढ़ाई कर गया, भाव दो महीने का, तीन महीने का, चार महीने का, कहिंदे कई जन्म तो तैनूं इस तरह के मिले, पूरा जन्म ही नहीं मिल सकिया, कई जन्म तू माता दे उदर चो छे सत महीनों का होके हिरदा भाव डिगदा रहा, कई बार तू माता दे उदर तो दो चार महीनों का होके खरिया का अर्थ है डिगदा रहा। इस करके सतगुरु कहिंदे ऐसियां भैड़ियां सजावां मिलदियां नाम ना जपण करके, नाम की शक्ति बहुत ज्यादा है, नाम की शक्ति तो आप समझ नहीं सकांगे, जिन्ना का आप इत्थे नाम जपदे हां, जदों इहदी कीमत अगे जाके पई ना परलोक दे विच, उदों जाके तुहानू हैरानगी होनी, इह नाम तां बड़ा वड्डा, जिवें किसे बंदे नूं पौंड दा ज्ञान ना होवे,
तो चक्की फिरे पाउंड बाजार दे लै गया 100 पाउंड वो देखण वाला कहिंदा वो ये तो 8500 का 9000 का है तो कहिंदा अच्छा बई ते जे किसी बंदे नूं हीरे का ज्ञान ना होवे हीरा लभ जे तो जिवें किसी जिमीदार ने हल वाया सी खेत विच हल वाहुंदिया वाहुंदिया गागर निकल आई लालां दी गागर निकल आई तो उन्हें की कीता पुराने बंदियां नूं पता जदों कणक दे उत्ते जां फसलां दे उत्ते जिमीदार चिड़ियां तो पहरां दा गोपिया बनाउंदे हुंदे सी पहला रस्सी का विचाले जे चमड़ा पा के उहदे रोड़ा पा के घुमा के जोर दी छड़ना पटाका जिहा पैंदा हुंदा सी ਉਹ ਨਾ ਚਿੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਖੇਤ ਵਿਚ ਕਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੜਦਾ ਜਦੋਂ ਜਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਮਿਲੇ ਲਾਲ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੀ ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਬੜੇ ਸੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਲ ਹੋਣਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗੋਪੀਏ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਗੀਟੇ ਦਾ ਸੋਹਣੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਪਟਾਕੇ ਪਾ ਕੇ ਮਾਰੇ ਵਗਾ ਵਗਾ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦਰਿਆ ਸੀ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਦਰਿਆ ਚ ਡਿੱਗਦੇ ਰਹੇ ਇੱਕ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਆ ਨਿਆਣੇ ਦੀ ਤੜਾਗੀ ਚ ਪਾ ਲਾਂਗੇ ਨਿਆਣਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਤੜਾਗੀ ਚ ਪਾ ਕੇ ਨਿਆਣਾ ਬਾਹਰ ਖੇਡਦਾ ਨਿਆਣਿਆਂ ਚ 5-4 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜੌਹਰੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਵੇ ਘੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੌਹਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜੌਹਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਲਾਲ ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਾਇਆ ਨਿਆਣਿਆਂ ਚ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਉਤਰਿਆ ਕਾਕਾ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਿਲਾਓ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਹ ਲਾਲ ਵੇਚਣਾ ਉਹ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜਿਮੀਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੌਹਰੀ ਸਾਹਿਬ 10-20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੋਗੇ 50 ਦੇ ਦੋਗੇ ਮੇਰਾ ਨਿਆਣਾ ਐਵੇਂ ਰੋਂਦਾ ਰਹੂਗਾ ਜੌਹਰੀ ਨੇ ਬੈਗ ਜਿਹਾ ਖੋਲਿਆ ਆਪਣਾ ਥੈਲਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ 50,000 ਰੁਪਈਆ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਚੱਕ 50,000 ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਮੇਰੀ ਹੱਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਜੀ ਆਹ ਲਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਜਿਮੀਦਾਰ ਤਾਂ ਖੜਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਾਗਰ ਭਰੀ ਹੋਈ ਗੋਪੀਏ ਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਟੇ ਉਹ ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਚ ਡਿੱਗ ਪਏ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਇੱਕਦਮ ਝਟਕਾ ਵੱਜਿਆ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਤੇ ਕੰਧ ਚ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਲ ਦਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਸ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਓ ਗੱਜ ਕੇ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਤੈਨੂੰ ਡੰਡੇ ਮਾਰਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾ ਕੁੱਟਿਓ ਨਾ 200 ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਲਓ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਤਾਂ ਮਾਰੀ ਚੱਲ ਕੰਧ ਤੇ ਡੰਡਾ ਮਾਰੂ ਕਹਿੰਦਾ 100 ਰੁਪਈਆ ਹੋਰ ਲੈ ਚੀਕਾਂ ਵੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ $1 ਹੁਣ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਬਈ ਤੂੰ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਐਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਸੋਚਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨੀ ਤੂੰ ਹੀ ਕਹੇ ਜਾ ਸਾਡਾ ਡਾਲਰ ਸਫਲਾ ਕਰਦੇ ਭਾਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਖੋ ਗੱਜ ਕੇ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੋਹਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਸੀ ਬਸ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਜਪ ਲੈਂਦਾ ਜੇ ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਜਨਮ ਸਾਥ ਕਰ ਉਪਾਇਆ 1,84,000 ਜੋਨ ਭਰਮਾਇਆ ਕਈ ਜਨਮ ਖੇਤੀ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕਣਕ ਦਾ ਬੂਟਾ ਬਣਿਆ ਕਈ ਵਾਰ ਮੱਕੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਬਣਿਆ ਕਈ ਗੇਂਦੇ ਦਾ ਫੁੱਲ ਬਣ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ 84 ਲੱਖ ਜੂਨੀਆਂ ਵਿਚ ਭੁਆਇਆ ਗਿਆ 84 ਲੱਖ ਜੂਨੀਆਂ ਚ ਭਰਮ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਭਇਓ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸੇਵਾ ਭਜ ਹਰ ਹਰ ਗੁਰਮਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਸਤਸੰਗਤ ਕਰਿਆ ਕਰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਿਆ ਕਰ ਤਿਆਗ ਮਾਨ ਝੂਠ ਅਭਿਮਾਨ ਜੀਵਤ ਮਰਿਆ ਦਰਗ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੂਠ ਨੂੰ ਤੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅਭਿਮਾਨ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜੀਵਤ ਭਾਤ ਮਰੇਗਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮਾਣਨੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਕਿਛ ਹੋਆ ਸੋ ਤੁਜ ਤੇ ਹੋਗ ਅਵਰ ਨਾ ਦੂਜਾ ਕਰਨੈ ਜੋਗ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਕਰਨੇ ਯੋਗ ਭਾਵ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਵਿਗਾੜ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੂਜੇ ਕਰਨਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਚ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋ ਤਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲਹਿ ਮਿਲਾਏ
कहो नानक हर हर गुण गाए। जां वाहिगुरु कृपा करके मिला लवे तां ही उस परमात्मा नाल साडा मिलाप हो सकदा। महाराज कथन करदे ने वाहिगुरु वाहिगुरु दे गुण गाउणा कर तां वाहिगुरु अपने आप ही मिला लैंदा। जे जिहड़ी चीज नूं तूं आवाज मारदा तैनूं मिल ही जांदी आ। घरे बह के आवाज मारदा रोटी दिओ पानी दिओ आह दिओ ओ दिओ सब कुछ मिल जांदा, उही मिल जांदा जो आवाज मारदे आ। ते जे वाहिगुरु नूं आवाज मारांगे वाहिगुरु मिल जाएगा। वाहिगुरु तां आपां कहि के राजी होई नहीं ना, बाले मॉडर्न बन गए। वाहिगुरू कहा करो इन्ने ज्यादा आकाश च ना चढ़ो भी इक्कीवीं सदी आ गई जी, आप 1699 ते ही खड़ना बस, गाह भावे 50 सदियां होर आ जान। 1699 1469 तो लैके 1699 तक जिहड़ा प्रचार मिलिया, 1708 तक जिहड़ा प्रचार दसवें पातशाह ने किया सिखां वास्ते, असी तो उस मर्यादा उत्ते ही खड़ना। इस करके सतगुरु कहिंदे नाम ही जपी जाओ, यही सब तो वड्डी चीज है। गौड़ी ग्वारे री महला पंजवां कर्म भूम महं बोहो नाम, पूर्ण होए तुम्हारा काम, फल पावह मिटै जम त्रास, नित गावह हर हर गुण जास, हर हर नाम अंतर उतार, शीघ्र कार्ज लेहो सवार रहाओ, कर्म भूम मैं है बो अहो नाम। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु ग्रीब आवाज अंदर जामी भगत वत्सल कृपा दे खजाने तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पावन पवित्र हजूरी विच सजी हुई, इंटरनेट दे राही रेडियो हम सफर गीत संगीत दे राही कथा श्रवण करनी हुई गुरु रूप गुरु खालसा साह संगत जी तन तन सतगुरु गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज 176 अंग ते बख्शिश कर रहे ने 73वां शब्द। गौड़ी राग है गुआरे री जिस दी जाति है, महला पंजवां पंजवें पातशाह महाराज कृपा कर रहे ने। कर्म भूम मह बोहो नाम, पूर्ण होए तुम्हारा काम। सतगुरु महाराज फरमाउंदे ने ये जो मनुखा देही रूपी कर्म भूमि मिली है, फरमाया गुरां ने जिवें शरीर खेत जो बीजी है अंत खलोआ आए। यह शरीर एक खेत है, ये अपना जिंदगी भर जो बीजना है, जदों संसार तो जाना है अंत खलोआ आए। महाराज फरमाते ने बीजिया हुआ अंत न फिर सारा ही कुछ सामने आ जाना, भावें उसी गुप्त रूप विच कीता है जां प्रगट कीता है, चाहे वह चंगा होया जां माड़ा होया, चाहे वह किसी नूं पता सी जां नहीं पता सी, वह जिन्ना भी हिसाब किताब है सब साढ़े सामने आ जाना। सो इस करके सतगुरु महाराज कहते ने मनुखा दे रूपी कर्म भूमि च गलत किस्म के बीज ना बीजो। बीज बीजन वेले दुख नहीं हुंदा, दुख हुंदा जदों उन्हों कंडे लग जाते दरख्त नूं, उन्हों कंडे चुगने औखे हो जाते ने। सो महाराज फरमाउंदे नाम रूपी बीज नूं बीजना करो, वाहेगुरु वाहेगुरु का चिंतन करो, पूर्ण होए तुम्हारा काम। वो जिहड़ा तुहाडा काम है गोबिंद मिलन की ये तेरी बरिया पहला काम है, बाकी दे सारे काम भी तुहाडे फिर पूरे हो जाणगे। इस शरीर रूपी धरती विच नाम का बीज बीजो। सो जे महाराज ने वचन किया है जिवें एक धरती है, इस विच धरती थाप रखी धर्मशाल, ये जिहड़ी अपनी धरती है ये धर्म की साल हुंदी जगह बनाई। फिर इस धरती दे उत्ते धर्म की जगह ज्यादातर पहला शुरू दे विच जिन्ने भी वड्डे वड्डे संसार दे विच भगती वाले ऋषि मुनि अवतार सारे होए ने, वो हिंदुस्तान की धरती ते होए ने। ये धरती वड्डा हिस्सा कुल पहला काबल कंधार तक सी। सो इन्हां इलाकियां विच महाराज कहिंदे ने बहुत लोगों ने अपना बीज बीजा, फिर उन्हां नूं उहदा फल भी दिता परमात्मा ने। जिन्हें ऋषि मुनि होए ने तपस्या वाले भगती नहीं की जिन्हां ने,
भगती होर चीज है, फिर तपस्या वक्री गल आ जाती। तपस्या होंगी पानी च खड़ना, पुठे लटकना आदक। वह जो तपस्या करने वाले सन लोग जिन्होंने कोई होर भगती कमाई करके संकल्प कर ले सुखां दे, फिर उन्होंने जन्म लिया इन्हां धरतियां ते आके, सो उन्होंने बहुते सुख प्राप्त होए। इस तरह सतगुरु कहिंदे ने तुसीं बीज वह बीजो जिहड़ा बीज बीजण दे नाल आपां सदा वास्ते इत्थों छुटकारा पाईए। जिस बीज दे बीजण नाल परलोक सुहेला होवे, इत्थे भी सुखी रहीए। फल पाव है मिटै जम त्रास, नित गाव है हर हर गुण जास। कहने जे हर रोज ही जास हुंदा जसदायक, जिस परमात्मा दे गुणा नूं गावेंगा जी। मूल मंत्र उहदा अपना ही गुण है, जाप साहब है। फिर सुखमनी साहिब दे विच महाराज ने फरमाया गोबिंद गुण नाम ये बाणी है। सुखमनी साहब दे विच बहुत गुण गायन कीते ने। बाणी कोई भी पढ़ो सारे थां कहण तो भाव नित गाव है। गावो सुनो पढ़ो नित भाई गुर पूरा तू राख्या, ये बाणी गावो। हरी दे गुणा दा जस करो, गुण गायन करो, ओही जी बिरती बनाओ। आम तौर ते अपनी बिरती बाणी पढ़न नूं नहीं करदी, गल्लां करनियां होण सुखले जे बैठ के गल्लां बातां बहुत सोहणियां हो जांदियां, क्योंकि गल्लां करनियां जिहड़ियां ने इहनां ते दिमागी जोर नहीं लगदा हुंदा। गल्लां तां सिर्फ मूंह दी हवा हुंदी है, कन्न रस हुंदा है। गल्लां करी जाओ, बस हसी जाओ, गल्लां करी जाओ, बह के किसी दी निंदा कर लो, किसी चुगली कर लो। उही जे इक जपजी साहब इक सुखमनी साहब करो वह औखा लगता, क्योंकि इधर नूं चढ़ाई नूं चढ़ना हुंदा। तो महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे ने तुसीं सुभावक ही कोशिश करो कि असीं बीज बीजदे रहिए नाम दा। जदों नाम दा बीज बीजांगे तां ज्ञान फल नूं पावेंगा। कहिंदे ये तेरे सिर तो जमदूतां दा जिहड़ा डर आ मिट जाएगा, ज्ञान रूपी फल प्राप्त हुंदा। पहलां बीज बीजो, फिर बूटा उगदा, टहणियां लगदियां ने। सो शरदा दी जिहड़ी जड़ है उहदे विच लगदी है, फिर तणा लगदा है, उहनूं भावना हुंदी है। करुणा मोता मैत्री उपेक्षा दीआं टाणियां हुंदियां ने, फिर उहनूं जिहड़ा प्रेम भावना दे पत्ते लग जांदे ने जदों, इसे तरह फिर नाम जल दे नाल ही बूटा वधदा, उहनूं धर्म दा फुल लगना शुरू हुंदा, फिर उहनूं ज्ञान दा फल लगदा। सतगुरु कहिंदे फिर ज्ञान दा फल खाएंगा तेरे सिर तो जमदूतां दा जिहड़ा डर है फिर मिट सकदा। हर हर नाम अंतर उतार, शीघर कारज लेहो सवार रहाओ। हुण हिरदे दे अंदर वाहिगुरु वाहिगुरु नाम नूं धार के बसा के तू अपने जिहड़े कारज ने शीघर ही जल्दी सवार लै। परमात्मा दे नाम नूं अंदर ले जाणा सिख कोई औखी गल नहीं। नाम नूं अंदर लै के जाणा जदों आपां होर चीज़ां अंदर ले जा सकदे हां, औखी तां नहीं सी गल पर औखी बना लई, क्योंकि उस पासे नूं किसे ने बचपन तो लै के प्रेरणा नहीं दित्ती। हरेक माता पिता ने बच्चे नूं प्रेरणा दित्ती ज़्यादातर पढ़न वास्ते, पढ़ाई करके कुछ वड्डा बन जा फिर तू पैसा कमाएगा, बस ये ट्रेनिंग हुंदी सारिआं दी। महाराज कहिंदे ने जे यही बचपन तो लै के ना भी सिखाओ तां भी बच्चा पढ़ के जिन्हें बनना आप ही बन जाना। पर मुख जरूरत है सानू जिधर नूं मोड़न दी लोड़ आ, वह है भगती। किसी ने अपने बच्चों नूं ज़्यादातर भगती वल प्रेरिया ही नहीं है। उन्हां नूं खतरा हो जाता जे भगती वाले पासे लाया ये फिर मैनू छड्ड के चलिया जाएगा, ये पता नहीं की करेगा। जे पुत्र धीआं भगती वाले होण मां बाप की फिर ही सेवा कर सकते हो। जे पुत्र धीआं नूं फिर आपां पढ़ाया इन्ना पढ़ाया आसमान च ही उड़ा दिता उन्हां नूं, वो मुड़ हाथ ही नहीं आए थे। सतगुरु महाराज कहिंदे जो असी कीता वह तो तुसी सारयां ने छड्ड ही दिता, अपनियां मर्जियां तुसी ज़्यादा करदे हो। अपने प्रभ स्यों हो सावधान, तां तू दरगह पावह मान। कहिंदे सावधान हुंदा तकड़ा होके अपने मालक नाल प्रीति कर, तकड़ा होके करनी पैंदी है क्योंकि रुकावटां बहुत ने, रोकण वाले इधरों बहुत ने।
तकड़ा हो के संत सहाई प्रेम के, संत सहाई राम के, उन्होंने तो तकड़ा कर देना। पर दुनिया इस पासे नूं तकड़ा नहीं करती, दुनिया तो माड़े पासे नूं तकड़ा करती, माड़े पासे नूं प्रेरणा दे के गलत रास्ते ते चलाउण नूं दुनिया तकड़ा कर दिंदी। महाराज कहिंदे जे तकड़ा होके मालक नाल प्रीति करेंगा तां ही तूं परलोक विच आदर प्राप्त करेंगा जाके। गल इत्थे दी नहीं है, इत्थे तां कोई खास गल ही नहीं है, इत्थे तां सब कुछ ही कर लैंदा बंदा। सतगुरु कहिंदे परलोक विच जाके जिहड़ा ना अगे गए संयापसन चोटां खासी कौन, ये तो अगे जाके पता लगता असल विच बंदे दी कमाई दा, मेहनत मशक्कत दा। उकत सियाण पसगली त्याग, संत जना की चरणी लाग। 170 अंग ते महाराज कहिंदे बाणी दी जिहड़ी उकत हुंदी ने जुगती ते बुद्धि दी सियाणप, उकत दा अर्थ हुंदा जुगती। उकत सियाणप सगली त्याग, कहण तो भाव जिहड़ियां सियाणप दियां जुगतियां करदा है, बुद्धि दी सियाणप दिखाउणा है, सारी छड के जिहड़े पूर्ण महापुरशां दे चरणी लगना कर। वह तेन सही रस्ते उत्ते पा भी देणगे, किरपा भी कर देणगे, दोनों गल्लां ही कर देंगे। सर्ब जीव है जा कै हाथ, कदे ना विछुड़ै सब कै साथ। सारे जीव जिस वाहिगुरु दे हाथ च ने, अधीनता च ने उहदी च, अते जो सारयां दे नाल ही रहिंदा होया कदे विछड़दा नहीं, हरेक दे विच ही बैठा। जे तुसीं हुण होर उत्ते बिरती लैके जाओगे जदों हौली हौली अभ्यास कर दे, दुनिया के अंदर जो भी कुछ तुरिया फिरदा बैठदा उठता देखदे आं, दरख्त पशु पंछी बंदा, चाहे वह निके निके कीड़े मकौड़े होण, ये जिहड़े हिलजुल करदे ने, हिलदे ने, जांदे आउंदे ने, तुहाडा की ख्याल है कीड़ा हिलदा जुलदा, यह कूकर दौड़िया फिरदा, पंछी उड़दे फिरदे, यह उड़दे फिरदे नहीं, वह तो एक चौखटे बनाए ने परमात्मा ने, निके वड्डे छोटे आकार ने, हुक्मी होवन आकार, वास्तव दे विच परमात्मा ही है। यह हुण बिरती इन्नी उच्ची लैके जानी अभ्यास नाल ही हुंदी, गल्लां नाल इत्थे बिरती नहीं जांदी। असल विच उह इक जिहड़ा कीड़ा तुरिया जांदा है, एक जो पंछी उड़िया जांदा है, एक जो बंदा है, एक जो दरख्त है सामने, इहनूं आपां देखदे हां बाहरले आकार च, रूप नूं देखदे हां, सरूप नूं नहीं देखदे। आपां मन तों जोत सरूप है, अपना मूल पछाण। असल विच आपां कीड़े नूं बाहरों देखिया है, कीड़े नूं अंदरों नहीं देखिया कि कीड़े दे विच की है जिहड़ा उहनूं तोरी फिरदा, वह आत्मा ही है। कीड़ी नूं भी आत्मा ही तोड़दी है, दरख्त विच भी आत्मा है, पत्थर विच भी आत्मा है, पत्थर भी एक जूनी है। कल भी दस्या सी, अज दे बहुत सारे विद्वानों ने ऐसियां गल्लां सिद्ध भी कर दित्तियां ने कि हर एक चीज दे विच जान है। साइंसदान ने जदों मिट्टी लियांदी मंगल तारे तो कहदे हां उत्थे सो जीव है, उन्होंने उस चीज की बड़ी डूंघाई नाल खोज की कि मिट्टी मुरदा है जां जिउंदी, मिट्टी च भी यह चीज हुंदी। सो इस करके महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे ने इन्नी उच्ची बिरती बनाओ, यह बननी तो औखी है पर जे दसांगे तो बन जाएगी। मनुख लई हुण सारे जिन्ने काम ने लगदे तो औखे ने पर कर लैंदा, एक मिनट लई, कदे दो मिनट लई, पांच मिनट लई इह जी बिरती बना के बह जाओ। आसमान विच उड़दा पंछी देख के कहो कि तो तू ही उड़िया जा रहा, एक थोड़ी उड़दा, ये जे तू ये विच ना होवे तो डिग पेगा धरती ते। ये मनुख जिहड़ा कहिंदा मनुख तुरिया फिरदा, मनुख ये तू आप ही तो बैठा है, इहदे अंदर एक बखरेवा पाता, मैं फलाना सिंह है, मैं फलाने थां रहिंदा, फलानी जात कोत पात, ये बाहरले रूप विच इहनूं फसा दिता। ये जीवात्मा होमै दे सहत होके गुण कही जांदी है। सतगुरु कहिंदे आपां इह एक बहुत अच्छी ते प्यारी खेड रची है गुरां ने कि आपां ने इहदे विचों किवें हौली हौली निकल के अपनी आत्मा नूं परमात्मा नाल मिलना। सो महाराज जी असीं किवें मिल सकदे हां, तुसीं कृपा करके दसो। महाराज कहिंदे तुसीं देखो सियाणपां करदे हो, बुद्धि दी सियाणप लड़ाउंदे हो, युक्तियां वरतदे हो, शॉर्टकट मारना चाहुंदे हो। कई कहणगे चलो मैं मरन लग्यां वाहिगुरु कह लूंगा, नहीं हुंदा। कई कहिंदे मैं आ सियाणप नाल मिल लवांगा, वह नहीं मिलता। सतगुरु हुण की फरमाउंदे ने, सहस सियाणप लख होहे ता इक ना चलै नाल, उपाव छोड़ गहो तिसकी ओट, निमख माहे होवै तेरी छोट।
ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦੀ ਓਟ ਨੂੰ ਆਸਰੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ। ਛੱਡਦੇ ਸਿਆਣਪਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਇਹੀ ਲੈ ਡੁੱਬਣਗੀਆਂ ਤੈਨੂੰ। ਭਗਤ ਬਿਨਾਂ ਬਹੁਤ ਡੁੱਬੇ ਸਿਆਣੇ, ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਡੁੱਬ ਗਏ, ਰਾਵਣ ਵਰਗੇ, ਅਫਲਾਤੂ ਵਰਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ। ਬੀਰਬਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਮੰਨਦੇ, ਅਕਬਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੋਇਆ, ਝੱਟ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ, ਬੜੀ ਸਿਆਣਪ ਮੰਨੀ। ਟੱਕਰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਲਈ? ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ, ਇਹਦਾ ਟੈਕਸ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 84 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪਟਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਟੈਕਸ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਾ ਤੇਰੀ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਖਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਟੈਕਸ ਕਾਹਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਲੈਣਾ। ਗੱਲ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਵੱਧਦੀ ਗਈ, ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸ ਤਿਆਰ ਰੱਖਿਆ। ਕੁਦਰਤੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਆਇਆ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ। ਉਹ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਕਬਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਤੁਰ ਪਓ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਚ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ ਫੌਜ ਦੀ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਤੁਰਤਾ ਪਿਆ 12 ਵਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਵਗੈਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਟੈਕਸ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਲਊਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਸਿਆਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰਾਂ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਟੈਕਸ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨੇ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਅੱਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੇ ਮੁੜੇਗਾ ਤਾਂ ਲਵੇਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲ ਕੇ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਫਿਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਲੜਾਉਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਇੰਸ। ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਜਾਂ ਸਾਇੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀਆਂ ਲੜਾਉਂਦੀ ਆ, ਉਪਾਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਲੇ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਕਿਣਕੇ ਦੇ ਕਰੋੜਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਧੀ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਖ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਇੱਕੋ ਵਾਰ, ਸਭ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰਦਾ, ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਕਰਨਾ ਬਸ, ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਸੁਧਰ ਜਾਣ ਦਾ, ਨਾ ਸੁਧਰਿਆ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖ ਦੇ ਪਲਕਾਰੇ ਚ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਾਪ ਛੋੜ ਗਹੁ ਤਿਸਕੀ ਓਟ, ਨਿਮਖ ਮਾਹੇ ਹੋਵੇ ਤੇਰੀ ਛੋਟ। ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦੀ ਓਟ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਖ ਦੇ ਪਲਕਾਰੇ ਚ ਤੇਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਓਟ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੇ ਨਿਮਖ ਮਾਹੇ ਹੋਵੇ ਤੇਰੀ ਛੋਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਨਿਮਖ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਿਮਖ ਮਾਤਰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਰਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ। ਸਦਾ ਨਿਕਟ ਕਰ ਤਿਸਨੋਂ ਜਾਣ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਸਤ ਕਰ ਮਾਨ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਨੇੜੇ ਕਰਕੇ ਜਾਣ, ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਕੋਲ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਕਰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਤਾਰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਲਾਉਣਾ, ਹਟਾਉਣਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਮਿਟਾਵਹੋ ਆਪ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਜਾਪ ਜਾਪ। ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ, ਆਪ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾ ਪਾ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਪਣਾ ਕਰ। ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਵੈਸੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਮੰਤਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਉਹੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਮਿਲਿਆ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪੇ, ਅੱਲਾ ਮਿਲਿਆ ਅੱਲਾ ਜਪੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੇ, ਗੌਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਜਪੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਈ ਹੁਣ ਪੰਛੀ ਹੈ, ਪੰਛੀ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਮ ਇਹ ਵੀ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਪੰਛੀ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ। ਕੀੜੀ ਵੀ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ,
हाथी भी पुकार करता है। हरिहर क्षेत्र से हाथी ने पुकार की तो परमात्मा ने बचा लिया से। कीड़ी भी आराधदी है परमात्मा, जी जंत भी आराधते ने। केते तेरे जी जंत सिफत कर है दिन रात। सतगुरु कहने तू भी आराधना कर, जेडे बेजबाने ने जपते ने, तेनू की हुंदा तेरे जबान लगी हुई है।